तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल? एक बार जल्दी से बता दो। और भौकाल नंबर वन में आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हम। तो गाइस, फाइनली आज होने वाली है भौकाल नंबर वन क्लास, ठीक है, जो कि बिल्कुल कत्ते जहर होगा, मजा आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो आप लोग मुझे पता है कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो भौकाल नंबर वन की क्लास देखने के लिए। एक बार जल्दी से सभी लोग इस सेशन को शेयर कर देंगे और बताइए आज की क्लास कतई जहर होने वाली है कि नहीं, ठीक है? ओके, यस सर। तो साथियों, आज हम इतने तगड़े क्वेश्चन करेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में आते, कैसे, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उस टाइप के भौकाल नंबर वन सीरीज में काम करने वाले हैं स्टूडेंट लोग, ठीक है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे साथी, मेरे अच्छे छात्र और छात्राएं, मजा आएगा। सर साउंड, अरे साउंड ठीक है, चलो पढ़ाई पर ध्यान दो। साउंड है का हेमा मालिनी जैसे बोले, अ कटरीना जैसे, ऐसा नहीं ना, चलो आ जाओ। हाँ, तो भौकाल नंबर वन का पहला क्वेश्चन हम लाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या करा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा कोई बकलोलिया, अब बकलोलिया इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बकलोलिया इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर, टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर After 3 seconds, the distance between man and his, यानी बकलोलिया, बताओ क्या होगा? What is the right answer मेरे साथियों? What is the right answer? बताइए। बहुत अच्छा, बहुत, कह रहा है एक बकलोलिया समतल दर्पण की ओर अगर 50 सेंटीमीटर, क्या कह रहा, 50 सेंटीमीटर की दूरी से 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर चल रही है तो 3 सेकंड के पश्चात मनुष्य और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। मैंने खुद बैठ के टाइप करवाया इसको, आज मैं पर्सनली बैठ के मैं टाइप करवाता हूं तो बड़ी अच्छा लगता है मुझे। देखो बकलोलिया क्या कर रही है, अरे बकलोलिया मतलब हंसना, बकलोलिया एक नाम है, ठीक है, इसमें हंसने की जरूरत है, हंस रहे हो तुम लोग, बकलोलिया एक नाम है। दर्पण की है 50 सेंटीमीटर की दूरी से, यानी अगर यहाँ दर्पण हमारी है, समतल दर्पण यहाँ पे है, देखो ये क्या है, ये चेला समतल दर्पण है मेरे प्यारे साथी, ये क्या है, ये है समतल दर्पण, समझना। हाँ, समतल दर्पण, ये 50 सेंटीमीटर दूरी पे बकलोलिया यहाँ पर तेरे नाम बाल झाड़ के खड़ी है, क्या खड़ी है, 50 सेंटीमीटर की दूरी से। अब कह रहा है 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या होगा, एक सेकंड में चल रही है 10 सेंटीमीटर मेरे साथी, एक सेकंड में अगर 10 सेंटीमीटर चल रही है, 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का मतलब ये एग्जाम में, ठीक है, ये एग्जाम में प्रीवियस ईयर के आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए मैं करा रहा हूं, ठीक है। और देखो 25 क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक में 25 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, जिसमें से सोचो 6 क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से, ओ माय गॉड, 6 को इलेक्ट्रिसिटी और 4 को तुम्हारा लाइट से, 10 क्वेश्चन यही से आ गया, 10 × 4 = 40 नंबर का यही से तैयार कर, 6 × 8 हुआ था, 2 और जोड़ो यानी 60 नंबर का तुम्हारा सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और किससे, लाइट से आता। मैं कहता हूं एक पे जो मेरा लाइट का लगा है, कल मैं लाइट का इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट लेके आने वाला, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, पक्का पास हो जाओगे। 40 सेंटीमीटर का रैक चेला, तो 1 सेंटीमीटर में अगर एक आपका, ओ माय गॉड, 1 सेकंड में 10 सेंटीमीटर, तो 3 सेकंड के बाद कह रहा ना, 3 सेकंड के पश्चात, तो 3 सेकंड में यह 30 सेंटीमीटर चली जाएगी। तो ये 50 है, बकलोलिया यहां से यहां चली गई, ये दूरी 30 सेंटीमीटर चल ली, 3 सेंटीमीटर चल ली,
यहां आ गई बकलोलिया, ठीक है, यहां पे आ गई बकलोलिया, ये दूरी कितना बचा 50, ये था ये 30 हो गया, तो ये बचेगा आपका 20 सेंटीमीटर, ये बचेगा आपका मेरे साथियों 20 सेंटीमीटर बचेगा। एक बार जोरदार तरीके से शेयर, देखो आपको मैंने बताया था कि अगर वस्तु जो है समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर खड़ी होगी उतनी ही दूरी पर पीछे में उसका प्रतिबिंब बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब भी बनेगा। अब कह रहा है कि यहां बकलोलिया रहेगा, गड़बड़ कर दिया ऑपरेटर साहब, बकलोलिया रहे, बकलोलिया और उसके प्रतिबिंब के बीच में ये जो बकलोलिया यहां पे आके खड़ी हो गई थी, यहां पे प्रतिबिंब उसका बना है, इसके बीच में दूरी कितनी हो रही साथियों, साथियों दूरी हो रही है 20 प्लस 20 यानी 40 सेंटीमीटर दूरी हो जाए। मैंने कहा कुछ सिंपल है, एक दर्पण 50 सेंटीमीटर मनुष्य है, एक सेकंड में 10 सेंटीमीटर चल रहा दिया है तो 3 सेकंड में 30 चल देगा, 30 जब चल देगा तो बचेगा 20। अब हमने प्रकाश यानी लाइट में पढ़ाया है कि जितनी दूरी पर दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु है दर्पण के पीछे उतने ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो 20 सेंटीमीटर, तो 20 और 20 ये वस्तु है ये प्रतिबिंब है, 40 सेंटीमीटर आपका सही आंसर होगा, यानी जो है बकलोलिया और उसके प्रतिबिंब के बीच में 40 सेंटीमीटर का क्या बनेगा, 40 सेंटीमीटर का दूरी होगा। बोलो बकलोलिया वाला क्वेश्चन समझ में आया, किसको बकलोलिया वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ठीक है, अच्छा चले आगे, चलो आगे आगे क्वेश्चन करा, राम बाबू खेल रहा है, ओ माय गॉड, राम बाबू खेल रहा है, राम बाबू खेल रहा है, देखना राम बाबू खेल रहा है, तभी उसने समतल दर्पण देखा, क्या किया, तभी उसने समतल दर्पण देखा और उसको 20 डिग्री घुमा दिया, ससुरा खुरपाती टाइप का होगा, क्या होगा, खुरपाती टाइप का, ससुरा खुरपाती टाइप का राम बाबू, तो राम बाबू खेल रहा है, समतल दर्पण देख लिया, ओकरा मुंडी पकड़ के 20 डिग्री घुमा दिया, 20 डिग्री घुमा दिया, तो बताओ परावर्तित किरण कितना डिग्री घूम जाएगी, 20, 40, 10 या 15, व्हाट इज द राइट आंसर। सर मजा आ गया ऐसा सूरत देख, अच्छा बताइए, राम बाबू खेल रहा है, खेलने दो, शेयर करो तुम, खेल रहा है, अब तभी उसने समतल दर्पण देखा, अब 20 डिग्री घुमा दिया, राम बाबू 40 डिग्री घूम जाएगा बेचारा, गजब बकलोल है आप भी वर्मा जी, नीरज जी, राम बाबू कहाँ घूमेगा, परावर्तित किरण ना घूमेगी, ऐसे मत बोलिए, गलत है ना, ऐसे गलत नहीं बोलना है, परावर्तित किरण पूछा है, राम बाबू थोड़ी घूमेगा, वो तो मुंडी पकड़ के समतल दर्पण की चुंडी पकड़ के घुमा दिया है, हैं? तो उस आज आप ये जान लीजिए क्या होगा, देखो देखो अगर थीटा डिग्री घुमाओगे, सुनो थीटा डिग्री अगर समतल समतल दर्पण को घुमाओगे, समतल दर्पण को घुमाओगे तो घुमाओगे अगर थीटा डिग्री, तो प्रतिबिंब तो क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण 2 थीटा घूम जाएगी, घूम जाएगी। अब ये कितना घुमाया, 20 डिग्री, 2 थीटा 2 × 20 2 × 20 मतलब 20 का मतलब 2 × 40 40 डिग्री क्या होगा, परावर्तित किरण घूम जाएगी। मेरी साथियों मैं चाहता हूं कि आप हमारी मेहनत को तवज्जो दें, हर एक ग्रुप में शेयर कर, देखिए आप अगर और शेयर करोगे और स्टूडेंट आएंगे हम और भी तगड़े तगड़े क्वेश्चन लाएंगे, 20 दिन में 20 भौकाल देंगे आपको, और एक भी क्वेश्चन बाहर आ गया ना तो कह देना कि हाँ सर बाहर आ गया, राम बाबू बकलोल है। अच्छा तो यहाँ पे 40 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब अगर यहाँ थीटा डिग्री घुमा रहा है तो परावर्तित किरण 2 थीटा घूम जाएगी, तो ऑप्शन नंबर मेरे साथियों समझ में आया मेरे दोस्त। आइए आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं ना, एक और भी तगड़ा क्वेश्चन देता हूं, ओ माय गॉड, प्रिय दर्शनी वाला क्वेश्चन आ गया, प्रिय दर्शनी एक ओलंपिक की खिलाड़ी है, ओ माय गॉड, प्रिय दर्शनी एक ओलंपिक की खिलाड़ी है, वह लंबी कूद में भाग ली है, उसने क्या किया है, प्रिय दर्शनी जो है
एक ओलंपिक की खिलाड़ी है, उसने लंबी कूद में भाग लिया है भाई साहब, क्योंकि उनकी लंबाई 9 फुट की है, उनकी लंबाई 9 फुट की है, ठीक है, उनकी लंबाई 9 फुट की है। अगर अपना पूरा लंबाई दर्पण में देखना चाहते हैं तो कैब वाले को कितना बड़ा दर्पण लगवाना पड़ेगा, ठीक है, जल्दी बताओ। 4.5 सबके आंसर आगे, बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन कैसा लगा बताओ, मैंने खुद बनवाया है। अच्छा, लखनऊ वाली नहीं, प्रदर्शनी दूसरी है। साफ दिख रहा है, 360 पे चलाओ स्टूडेंट, 360 पे बहुत अच्छे से प्रॉपरली दिख रहा है, 4.5 फिट होगा, मतलब समझो प्रदर्शनी ओलंपिक की खिलाड़ी है, लंबी कूद में क्या करती हैं, लंबी कूद में ये जो हैं, लंबी कूद में क्या करती है, भाग ली है, क्योंकि उनकी जो लंबाई है 9 फुट है, प्रियदर्शनी है, प्रियदर्शनी, ओ माय गॉड, बहुत लंबी है, लंबी कूद में भाग ली है, लंबी कूद में भाग ली है, 9 फुट की है, कितना है, 9 फुट, फुट फुट यहां से फुट वो वाला नहीं है, फुट मतलब लंबाई, 9 फुट की है, कितनी है, 9 फुट की, मेरे दोस्तों हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, रसगुल्लो जरा समझना, अगर हमें जैसे मान लो तुम कितना फुट के हो, कोई 3 फुट का है इसमें, ठीक है, कोई 3 फुट का है, अगर आप 3 फुट के, ऑपरेटर सर एक सेकंड रुक जाओ, सर को बोले एक सेकंड, बस रुको, तुम लोग क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन, 9 फीट हजम नहीं हो रहा है, हमको भी जब कैबो वाली को मारी तो कूद कूद के इसे हजम नहीं हुआ था, उसका बिटरेट बढ़ा दीजिए, हाँ हमें लग रहा कम है, चलिए ओके करिए जरा, ठीक है। अब देखिए प्रदर्शनी क्या क्या किया, तो कैब वाला बेचारा कितना रखेगा लंबाई, देखिए कैब वाला कितना रखेगा लंबाई समझिएगा, कैब वाला लंबाई कितना, 9 फीट की प्रदर्शनी बेचारी थी, प्रदर्शनी 9 फीट की थी, ठीक है, ओलंपिक की खिलाड़ी है एक, अब 9 फीट की है तो हमें दर्पण जो है इसका जस्ट आधा, मनुष्य का जस्ट आधा रखना पड़ेगा, मतलब जितना इसकी लंबाई रहेगी उसका आधा कर देना, यानी 4.5 फुट का हमें 4.5 फुट का दर्पण रखना पड़ेगा, तब जाके वह अपनी पूरी लंबाई को देख पाएगी, क्या करेगी, अपने पूरी लंबाई को देख, जो जैसे मान लो तुम जितने फिट के हो, गर्ल्स में चाहे बॉयज में, सबको अपना चेहरा सुबह सुबह ऐसे बालों को संवारते हुए बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे जैसे कि सलमान खान एकदम आ गए हैं, ऐसे झाड़ों के जुल्फे, ठीक है, तो अच्छा लगता है तुम लोग को भी, तो जब देखना हो तो तुम अगर घर में छोटी चूक शीशा जिसे है नहीं मेरे पास, दिखा देते हैं अभी, छोटी चूक रखने के बजाय क्या करो कि अपने लंबाई का आधा, 5 फुट के हो तो 2.5, 6 फुट के हो तो 3, 3 फुट के हो तो 1.5, 1.5 फुट के हो तो 0.75 मीटर का रखो, या फुट का रखो, तो आप पूरा अपना शरीर ऊपर से नीचे तक देख पाओगे। हाँ सर जी, आगे चलो, तुम लोग शेयर नहीं करते, बहुत गंदे हो गए, बहुत गंदे हैं, एक कैब चालक है, ओ माय गॉड, एक कैब चालक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए अपने समतल दर्पण में 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चाल से पीछे से आ रही है प्रदर्शनी की कार का प्रतिबिंब देखता है, क्या करता है, प्रतिबिंब देखता है, मतलब एक कैब ड्राइवर है मेरे दोस्तों, समझना, ये क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं, बस नाम बदल जाते हैं, वैल्यू बदल जाती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है कौन, ये कैब ड्राइवर, ठीक है, 50, अब प्रियदर्शनी जी का जो कार है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से आ रहा पीछे से, जैसे लग रहा है ठोक के उड़ा के चल देंगे, हैं, जैसे लग रहा है ठोक के उड़ा के चल देंगी, तो पीछे से आ रहा है, तो बबुआ इनके बीच में अंतर कितना, अगर सापेक्ष चाल देखें, एक्चुअल में सापेक्ष चाल देखें, सापेक्ष चाल, तो 60 में से 50 को घटा देना 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी सापेक्ष चाल जो है, देखो 50 से तुम दौड़ रहे हो, कोई पीछे से 60 से आ रहा है, तो 50 तो उसका तुम्हारे बराबरी करने में चला जाएगा, जो 10 है वही उसको आगे बढ़ाएगा, तो यही 10 किलोमीटर प्रति घंटा आगे बढ़ाएगा। तो साथियों आपको पता है
अगर किसी दर्पण में कोई भी वेग से कोई सूरज दिख नहीं रहा है यार, कोई भी वेग से अगर आ रहा है दर्पण में तो उसका जो प्रतिबिंब होगा टू भी वेग से आएगा। याद है मैंने अपने लेक्चर्स में बताया था, एक आपका क्या कहते हैं, एक आपका एक शायरी में बताता हूं, अपने माता पिता को गर्व फरमाइएगा, ठीक है? अपने आपके माता पिता के लिए मैं एक शायरी कह दूं क्या? थोड़ा वक्त दे बापू, थोड़ा वक्त दे बापू, पानी में भी आग लगा दूंगा। थोड़ा वक्त दे बापू, पानी में भी आग लगा दूंगा। जो हंस रहे हैं ना तेरे इस लाडले पर, जो हंस रहे हैं ना तेरे इस लाडले पर, माँ कसम उनकी उनकी औकात दिखा दूंगा, माँ कसम उनको उनकी औकात दिखा दूंगा। साथियों अपने माता पिता को एक बार जरूर हौसला अफजाई कीजिए पढ़ाई करके, ठीक है? यस सर, मजा आ गया होगा। तो ये आपका भी हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो टू भी कितना हो जाएगा, 2 × 10 यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आपका राइट आंसर 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा राइट आंसर होगा। दोस्तों चले आगे, बता दो जल्दी बताओ। हो बापू सेहत के लिए ये तो फायदेमंद है। आगे चलते हैं, आगे अगला क्वेश्चन। एक शेर, ओ माय गॉड मैं डर गया, लाया ना गया क्या लाया। एक शेर है, एक हमारे पास शेर है, शेर जो है समतल दर्पण से 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहा है। समतल दर्पण से वह अपने प्रतिबिंब से जिस वेग से दूर भाग रहा है वह है, बताओ। बहुत ही बढ़िया। वाह वाह सर क्या बात है, थैंक यू सर। अच्छा चलिए आगे, देखो स्टूडेंट एक दर्पण है, यह शेर है, शेर में बना दूं क्या, शेर बनाने की कोशिश मैं करता हूं, ये तो बिलार लग रहा है, चलो शेर समझो यार, बना सकते हैं इसे, बात कही कोई नहीं है। ये शेर है, क्या है, वाह बना दिया मैंने, गजब यार, मैंने तो बना दिया, बस एज्यूम किया बना दिया हूं, बनाया नहीं था आज तक। ये शेर है तुम्हारा, क्या है, ये शेर है। अब ये शेर जो है इधर से भी मतलब भी से भाग रहा है, 3 मीटर प्रति सेकंड से भाग रहा है। मेरे साथियों एकदम चुन चुन के क्वेश्चन लाया हूं, एकदम चुन चुन के क्वेश्चन लाया हूं, ठीक है? 3 मीटर प्रति सेकंड से भाग रहा है तो आपको पता है इसका जो प्रतिबिंब है टू भी से भागेगा। टू भी का मतलब, टू भी के मतलब टू भी यानी 2 × 3 मतलब 6 मीटर प्रति सेकंड से भागेगा, तो अपने प्रतिबिंब से 6 मीटर प्रति सेकंड से दूर भाग रहा है, ठीक है? अच्छा सही है, टू भी से भागेगा ना। विनय कुमार घोचू कहेंगे क्वेश्चन इतना बढ़िया है तुमको शेर दिख रहा है, ठीक है? आगे आंसर 6, चलो आगे चलते। डायनासोर लग रहा, बनाते रहना बबुआ, क्वेश्चन समझो, सब आया हुआ क्वेश्चन है। अगला कह रहा है निम्न में से किस अक्षर का समतल दर्पण द्वारा पार्श्व प्रतिबिंब प्रतीत नहीं होगा। अगर हम समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण में जो हमारा ए है वो ऐसे ही ए बन जाएगा, बी है वह ऐसे भी, अगर यहां पे समतल दर्पण रख दें, अगर यहां पे समतल दर्पण रख दें, समतल दर्पण बी सी है तो ऐसे बनेगा, डी है तो ऐसे बन जाएगा, ई है तो ऐसे बन जाएगा। तो ये इसका ए का ये पार्श्व प्रतिबिंब है, इसको कहते हैं पार्श्व प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, पार्श्व प्रतिबिंब। देखना जब तुम देखोगे तुम्हारा हई कनवा इधर हो जाएगा, हई कनवा इधर, ओ माय गॉड मेरा कनवा कहाँ गया, मैं
मेरा कान कहाँ गया बाबू, बताओ सोना। पार्श्व प्रतिबिंब आपका बनेगा, देखो बी बी का तो ऐसे बन जाएगा, सही बात है, घो बन जा रहा है मुझसे तो, घो घो। यफ यफ बन गया ऐसे, जी को ऐसे, हाँ ऐसे बन जाएगा जी, यम ऐसा ही बनेगा। मतलब यहां पे हम क्या देख पा रहे हैं मेरे साथियों, हम देख रहे हैं बी का पार्श्व प्रतिबिंब बन रहा है, क्या पार्श्व बन रहा है, यफ का भी पार्श्व बन रहा है, ठीक है, जी का भी पार्श्व बन रहा है, ठीक है, यम का नहीं बन रहा है, यम ऐसे था यहां से सूरज जाके ऐसा ही है, मतलब इस यम का कहां ऑप्शन आ गया, हाँ ऑप्शन आ, यम का पार्श्व प्रतिबिंब नहीं बनेगा। कितना प्यारा और कितना लवली क्वेश्चन है, बताओ यार अच्छा लगा कि नहीं, सुंदर फेयर लवली फेयर हैंडसम वाला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी मजा आ रहा है, आगे चले, बहुत अच्छा, ओके सुभाष दुबे जी बहुत अच्छा, वेरी वेरी, ओ माय गॉड अच्छा लगा आंसर। अगला क्वेश्चन और भी टाइम टाइम फिस वाले, भौकाल नंबर नेक्स्ट, कहोगे भौकाल नंबर नेक्स्ट आ रहा, मोटू पतलू देखे हो, मोटू पतलू कहता अरे मोटू जरा समोसे लाओ, है मोटू पतलू बड़ा अच्छा लगता है। एक हमारी बिटिया है, हमारे भैया मतलब चाचा के लड़के की लड़की भतीजी, वो बड़ी देखती है मोटू पतलू, बहुत देखेगी, दिन भर देखती रहती है। हाँ इस्माल याम का जब पूछा नहीं तो इस्माल याम क्यों, हाँ अच्छा क्या बढ़िया है, कह रहे प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का परास कितना है, परास का मतलब वेवलेंथ, कहां से कहां तक वेवलेंथ, कहां से कहां तक आएगा जल्दी से बताओ मोटू पतलू, जल्दी से बताओ कहां से कहां तक आएगा। हाँ सर बहुत देखे हैं, मजा आ रहा है, कतई जहर हो गया सर, ये तो गलत बात है, आप अकेले अकेले डबिंग कर ले रहे हैं, हमें मौका नहीं दे रहे हैं डबिंग का, हमें भी मौका दीजिए डबिंग का, चलो आ जाओ इस क्वेश्चन को जरा ध्यान देना, ये क्वेश्चन कह रहा है तरंग दैर्ध्य की प्रास प्रेश होती है, प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है 39,000 एंगस्ट्रॉम टू 78,000 एंगस्ट्रॉम, मतलब दिस इज अ राइट एंड करेक्ट आंसर, तो वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर ए इज राइट एंड करेक्ट। गाइस इन योर एग्जाम दिस क्वेश्चन विल गिव यू 4 मार्क्स, 4 मार्क्स आपको 4 नंबर यहां से मिल जाएंगे, तो साथियों ये आंसर सही हो गया, क्या ये आंसर सही हो गया। अच्छा आ जाओ बबुआ अगला क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा, और भौकाल नंबर नीला दिखाई देता, ओकरा मन कर रहा क्या, ओकरा मन कर रहा क्या नीला दिखाई देने का, क्या ऐसा है आकाश नीला दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, पूरा आंतरिक परावर्तन के कारण, क्या मेरे साथियों सही आंसर होगा। अभी मोटू पतलू लगा रहे हैं इसको बताओ, तो ये आ गया, ये रहा हमारा मोटू और पतलू। देखो भाई प्रकीर्णन एक बहुत जबरदस्त इसका आंसर है, प्रकीर्णन जो है ना वो बढ़िया आंसर है, यानी हमारा आकाश जो है नीला दिखाई देता है, नीला देखिए ना, अब ई मत जाकर धूपे में जाकर देखना सर सफेद दिख रहा था, सर अब गलत बता दिए, ऐसे नहीं नीला दिखाई देता है, ठीक है, तो वह होता है प्रकीर्णन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ड्यू याद रखना क्वेश्चन आता है ड्यू टू स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ ऑफ लाइट, मेरे प्यारे रसगुल्लो ये क्वेश्चन का आंसर ए होगा। मैं अभी यहां रुकने वाला थोड़ी हूं, भौकाल नंबर नेक्स्ट, भौकाल नंबर नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश में रंग होते, ओ माय गॉड ओ माय गॉड, मेरा कॉफी हो गया ठंडा तुम लोग के चक्कर में। भौकाल नंबर नेक्स्ट क्या है, श्वेत प्रकाश में रंग होता है, अरे साथियों बताओ ना, इतना बढ़िया क्वेश्चन है, 7 गो 8 गो 5 गो 6 गो या 1 गो, शेयर करते रहिए, शेयर करेंगे हम पढ़ाते रहेंगे आपको, ठीक है शेयर करते रहिए। आज 1,000 की संख्या क्या पार हो सकती है, क्या देखते हैं हम भी आप लोगों में कितना दम, मेरे में तो बहुत दम है जो इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा, आप में कितना दम है देखता हूं। देखो श्वेत प्रकार में 7 कलर होते हैं, विभ विभ ग्योर,
विभिन्न सात कलश होते हैं, सात कलश होते हैं, याद रखिए कितने, सात विभिन्न चार तीन सात, ये सात होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बढ़िया एंड परफेक्ट होता, यानी बढ़िया एंड परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती हैं, क्या उनका मन करता है परावर्तित करने का, जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर दे, उनका रंग कैसा होता है, उनका ढंग कैसा होता है, क्या वो श्वेत होते हैं, क्या वो पीला होते हैं, क्या वो लाल होते हैं, क्या वो नीला होते हैं, बताइए। नहीं डरने की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत है। देखो, अरे रख हौस ला, वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास, चलकर समंदर भी आएगा साथियों, रख हौस ला वो मंजर भी आएगा। क्या बात है, हम किसी को कुछ नहीं किए, ओनली स्टडी करना है बस मुझे। अच्छा, श्वेत, बढ़िया सा आंसर होगा श्वेत, यानी जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर दे, वह शोक नहीं, ठीक है, वह शोक नहीं सकती एक भी, तो वह होती है हमारी श्वेत, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला यानी भवकाल नंबर, तुमसे सुनना चाहूंगा, भवकाल नंबर नेक्स्ट, जो वस्तुए सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है वह क्या कहलाती है, वह क्या, देखना, गोरा लोग को गर्मी कम होता है क्या, करिया लोग को गर्मी ज्यादा होता है, कहा जाता है ठंडी के दिनों में करिया कपड़ा पहनो, कहा है कि करिया क्या करता, सोख लेता, और जब सोख लेगा तो गर्मी बहुत उत्पन्न करेगा, जब हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा पूरा प्रकाश को तो हीट उत्पन्न करेगा। सिमिलरली हम बताना चाहेंगे कि अवशोषित करने वाले करिया होता है, करिया मतलब काला काला, काला काला चश्मा, करिया मतलब काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला चश्मा, काला होता है, काला मतलब जो काला कपड़ा, जैसे मान लो हाँ ये तुम कपड़ा पहने हो ऐसे, ठीक है, ये काला है, ये ऐसे मुंडी लगा लिया तुम अपने हिसाब से, अपना अपना मुंडी, ये कपड़ा काला है, कपड़ा क्या है, काला है, तो ये काला जो कपड़ा है ये अवशोषित कर लेगा, गर्मी पैदा करेगा, ये सभी रंगों को, वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, क्या वाह कितने, अरे वाह 964 स्टूडेंट, कमाल कर दिया यार तुम लोग तो। अगला क्वेश्चन, एक और तगड़ा बहुत बढ़िया सा प्राथमिक रंग, बहुत बढ़िया आया हुआ शानदार क्वेश्चन, आया हुआ शानदार क्वेश्चन, कह रहा है कि भाई साहब प्राथमिक रंग होता है, व्हाट इज व्हिच वन इज द प्राइमरी कलर, व्हिच वन इज द प्राइमरी कलर मेरे दोस्त, लाल पीला नीला लाल हरा श्याम, या चल भैया तुम काहे रुक जाते हो, मतलब क्या चाहते हैं यार, हां क्या चाहते, बता दीजिए, आपका कोई मर्जी है, टुकुर टुकुर बिचवा में इन्ने उन्ने हो जाते हैं, कितने गलत आदमी है महाराजा, गजब कर देते हैं, बीच में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, आपको टुकुर टुकुर करना उसमें जरूरी है। चलिए अब सही से रहिए, देखिये प्राइमरी कलर की बात कर रहा है, प्राथमिक कलर हमारा आर आर बी जी, याद रखिएगा आर हमारे हैं, मतलब रावण भैया हमारे बीजी हैं, रावण भैया हमारे बीजी हैं, आर बीजी, तो प्राथमिक कलर, प्राथमिक कलर की बात करेंगे, प्राथमिक कलर है आर अबी जी, आर फॉर रेड, आर फॉर रेड, बी फॉर ब्लू आज पानी पानी वाला, जी फॉर ग्रीन ग्रीन, तो ये जो तीनों है, ये जो तीनों है आर बी जी, ये जो तीनों है आर बी जी, मेरे साथियों अपने घर की मोबाइल थोड़ा चालू कर दो, दो मिनट के लिए, सब 1000 हो जाने चाहिए स्टूडेंट आज, आरबीजी जो है इतना मेहनत आपके लिए करते हैं, आरबीजी इज द राइट। नेक्स्ट क्या है, कहां दिख रहा है, कहां गया बेदर्दी वाला, कहां गया बेदर्दी, दिल को तड़पा के, ओह माय गॉड, आ जाओ, लाल यहां मिल गया, हरा मिल गया, नीला मिल गया, क्या मैं सही आंसर टिक कर रहा हूं, जी मैं सही एंड परफेक्ट आंसर टिक कर दिया, सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, अगला आ जाओ, भवकाल नंबर नेक्स्ट है, भवकाल नंबर, वायु प्रकाश की चाल जो है 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड है, यदि कांच में प्रकाश की चाल 2×10^8 मीटर प्रति सेकंड हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, व्हाट इज राइट आंसर। कह रहा है कि भाई साहब द स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर इज 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड, इफ द
स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास इज 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड, द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विल बी, क्या होगा? अच्छा, बहुत अच्छे, बढ़िया। चल करते हैं इस क्वेश्चन को शुरुआत, करते हैं इस क्वेश्चन को शुरुआत। अच्छा देखो मेरे साथियों, बता दो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वहां पर क्या होगा। ये क्वेश्चन आया है, आया हुआ क्वेश्चन, और ये आएगा भी, लिख लो आएगा भी। देखो प्रकाश की चाल वायु में क्या क्या दिया है, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल क्या होगी, क्या दी हुई है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या दिया है, 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हमें पूछ रहा है ए एन जी, मतलब कह रहा है वाय के सापेक्ष कांच का। वाह भाई, गुड वन के स्टूडेंट, बहुत बहुत थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। वन के स्टूडेंट आपने लाइव कर दिया था, अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत थैंक यू दिल से। ए एन जी पूछा है, आप सभी बहुत सपोर्ट कर सकते हो दिल से, आई लाइक यू, एंड आपको मैं आपके मंजिल तक पहुंचा के रहूंगा। आप फिजिक्स केमिस्ट्री 50 में से मैक्सिमम 40 क्वेश्चन करके आओगे, देखना। ठीक है, ठीक है। अब ए एन जी पूछ रहा है, मतलब ए का मतलब, ए का मतलब क्या हुआ, ए एन जी मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो भाई साहब वायु में प्रकाश की चाल लिखो ना, यहां लिखो ना इतना, कांच में प्रकाश की चाल 2×10⁸, बहुत बढ़िया। एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे में कांच की प्रकाश की चाल, 2×10⁵, यानी ए एन जी इज इक्वल टू 1.5×10⁻¹ नो नो गलत बात है, इंटू पिंटू कुछ नहीं आएगा, ये एस मरमुरा जाएगा, डेढ़ आंसर आ जाएगा। कहां गया भाई, ये पकड़ लो, इसको पकड़ो, घेरो, क्या हो गया, पकड़ लो, ठीक है, आग लगा दो आज। भौकाल नंबर नेक्स्ट लाते हैं। हाँ अब तुम हमारा क्वालिफिकेशन पूछो, हम कितना पढ़े। तुमको एक बात बता दे, हमारे ऑफिस में जितने मतलब ऑपरेटर हैं चाहे जो भी काम करने वाले हैं, हमने कभी उनका क्वालिफिकेशन नहीं पूछा, बस ये पूछते हैं क्या आप इस काम को कर पाओगे, और उन्होंने कहा तो कर, यू आर सिलेक्टेड, आप काम पर हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, भौकाल नंबर नेक्स्ट आ गया। विचलन कोण का मान डिपेंड करता, बाबू विचलन कोण क्या होता है, जरा समय तुम्हें बताना चाहूंगा, एक्सप्लेन करना चाहूंगा विचलन को। ये हमारा एक प्रिज्म क्या है, आवाज आनी चाहिए, क्या है, प्रिज्म, दिस इज द प्रिज्म। जब प्रिज्म से कोई श्वेत किरण जाती है तो यहां से टकराती है और इसे चली जाती है। तो देखो चला बंगलिनिया के चक्कर में क्या किया है, जो श्वेत प्रकाश जा रहा था ये बंगलिनिया के चक्कर में, पहले तो इसको जाना था सीधे सीधे इधर, सीधे सीधे इधर जाना था, बट बंगलिनिया यहां बुला रही थी, आओ ना क्लोजअप है पास, आओ ना क्लोजअप, क्लोजअप का प्रचार देखे हो, पास आओ ना मारेगी दुई झापड़ ढिमला जाओगे। ठीक है, तो बंगलिनिया के चक्कर इधर भाग गया, तो देखो ये जो इतना विचलन कर गया, ये क्या किया, इतना विचलित हो गया, इसको डेल से, इसको विचलन कोण कहते हैं, इसी को हम कहते हैं विचलन, विचलन कोण क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं विचलन कोण। अब विचलन कोण जो होता है प्रिज्म के कोण पे हाइजोन कोण बनता है, इस पे भी डिपेंड करता है, अब प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक में, यानी ए एंड बी दोनों पर ये डिपेंड करता है। कह रहा है किसी वाला ए और बी किसी पर नहीं, देखो ध्यान से, कह रहा है किसी पर नहीं, मतलब गलत है भाई, ए और बी दोनों पर, जी ये सही है, ये आपका सही है, डी वाला इज द राइट आंसर, डी इज राइट आंसर जो है ये सही होगा मेरे साथियों, ये सही हो। अभी बढ़िया बढ़िया, जो क्वेश्चन शेष है वही विशेष है, जो क्वेश्चन शेष है वही विशेष है साथियों। आइए शेष वाले क्वेश्चन को, कह रहा निम्नलिखित में से प्रकाश किस रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक लंबी होती, अधिक लंबी मतलब दूर तक दिखाएगा,
बुलाती है मगर जाने का नहीं। ऐसा काम नहीं, परीक्षा बुला रही है, परीक्षा बुला रही है, बुला रही है परीक्षा। कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा अधिक लंबी होती है। देखो स्टूडेंट्स करना क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सीधा सीधा लाल वाले को मारना, आंसर ये सही हो जाएगा। सीधा लाल वाले आंसर को टिक करना। रेड, रेड का क्या होता है आपने देखा होगा, रेड लाइट में सूर्य का किरण, सूर्य दिखाई दे देता है, ठीक है, सूर्य दिखाई दे देता है और रेड लाइट लगाते हैं लाल लेते हैं, दूर से दिख जाएगा। जेब्रा क्रॉसिंग पे हमें रोक देना है, जेब्रा क्रॉसिंग पे हमें रोक देना है, यहां इसका लाल कर देना, लाल नहीं करना, लाल पर टिक लगा देना मार मार के गाल नहीं लाल करना है यहाँ पर, लाल पे टिक लगा देना, तो लाल इज राइट आंसर। अच्छा तुम लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है साथियों, बता दो, पढ़ाई बढ़िया चल रही है, पढ़ाई बढ़िया चल रही है जी, पढ़ाई बढ़िया चलना चाहिए। आजा भवकाल नंबर नेक्स्ट, भवकाल नंबर नेक्स्ट कह रहा है, भवकाल नंबर कि प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग इतना सेंटीमीटर प्रति सेकंड है से वाई में 20 डिग्री से 40 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित है। यदि वाई में प्रकाश का वेग इतना सेंटीमीटर, तो किरण में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा किसी दशा में नहीं जब आपतित कोण 4 डिग्री होगा, बताओ 16 जल्दी से बताओ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सर आ जाओ, बढ़िया से क्वेश्चन कैसे करेंगे, वी नो हमें क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन साइन साइन सी बराबर 1 बाई क्या होता है 1 बाई गलत होता है एन होता है अपवर्तनांक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कभी कभी ये फॉर्मूला ही आपसे डायरेक्ट पूछ देता है, कभी कभी ये फॉर्मूला डायरेक्टली पूछ देता है। तो चला देखो क्या करना, क्या करना, क्या करना, आप इस फॉर्मूले को हम देखो सिंपल सा बताएंगे तुम्हें, यन बराबर क्या होता है, यन बराबर होता है सी बाई भी, सी बाई सी दिया है, कह रहा है प्रकाश एक एक माध्यम में जा रही है, ठीक है। अब आप यहां पे दिया वाई प्रकाश का वेग, वाई मतलब सी की बात कर दिया, तो वाई में प्रकाश का वेग है 3×10^8 10 है सॉरी 10 सेंटीमीटर में दिया है ना 10 होगा, अगर मीटर में आता तो 8 होता, बटे में क्या करेंगे, बटे में क्या करेंगे, ये प्रकाश का वेग यहां पे दे रखा है मतलब माध्यम में v बराबर माध्यम में। देखो कुछ मत करना, हमें फार्मूला पता है सब कुछ पॉसिबल है, अगर हमारे पास फार्मूला है सब कुछ पॉसिबल है। कह रहा है n बराबर c भाई भी, देखो कट गया डेढ़ दुआ दो आ जाएगा, यानी n का मान आ गया 2, अच्छी बात है n का मान 2 आ गया, तो साइन बराबर 1 बाई n, n का मान क्या आया है 2 आया है। और साइन में 1/2 किसका मान होता है स्टूडेंट लोग, तुक 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 तड़ाड़ा जल्दी बताओ, जल्दी 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 ये करके दिखाओ, इस ये करके दिखाओ, ये फिर ये प्रिय करके दिखाओ, ये होता है साइन 30 डिग्री। चेला मेरे साइन 30 को क्या कह सकते हैं, पाई बटा साइन पाई बाई 6 भी कह सकते हैं, मतलब यहां पे तुम्हारा साइन थीटा थीटा बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। क्या कहीं 30 दिख रहा है क्या, 30 20 50 अच्छा थोड़ा 30 आ गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो ताकि मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करूं, पीछे एक दब गया है, एक दब गया है, 1000 लाइक नहीं हुआ यार अभी तक, गजब है आप लोग का तई जहर हो गए हैं, 30 आ गया, तो आइए देखते 30 कहीं ना कहीं तो होगा, खोज के लाएंगे, खोज के किसी दशा में नहीं, किसी दशा में नहीं जब आपतित कोण 40 डिग्री हो, जब किसी दशा में नहीं है, ऑप्शन नंबर 30 आ रहा है, 30 मतलब किसी दशा में नहीं होगा, ठीक है। अच्छा चले जल्दी से गया लाइक पहुंचाओ,
अगला जी, अब लो मेरा फेवरेट एंड लवली क्वेश्चन भवकाल नंबर 17, मेरा फेवरेट एंड लवली क्वेश्चन, लवली क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन को कराते हैं। कह रहा है एलसीआर सर्किट है, एलसीआर सर्किट क्या होता है मैं तुम्हें बता दूं, एल का मतलब इंडक्टर, मतलब ऐसे होगा, ये एल है। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है, 2019 में यूपी पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछा गया। सी का मतलब कैपेसिटर, ठीक है, और आर का मतलब रेजिस्टेंस। एक एलसीआर परिपथ, एलसीआर, एल का मतलब, एल का मतलब एल, सी का मतलब आर का मतलब एक परिपथ है। ये परिपथ इसको कहते हैं एलसीआर परिपथ, इसको कहते हैं, समझ गए? अब कंफ्यूजन नहीं होगा, अब कंफ्यूजन नहीं होगा बाबू, सेहत के लिए ये तो हानिकारक है। चलो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब कह रहा है यहां पे आर बराबर दे रखा है क्या, 5 ओम, देखो 5। एक्सएल बराबर क्या होता है आपका, 20 ओम दे रखा है, ठीक है। एक्सी बराबर दिया है 20। देखो जिस प्रकार से प्रतिरोध भी एक क्या है, प्रतिरोध क्या होता है, विरोध करता है धारा प्रवाह का, उसी प्रकार से आपका एक्सएल एक्सी भी प्रतिरोध की तरह ही बिहेव करता है, लाइक जस्ट। तो देखो अगर रिजल्टेंट तुम इसका प्रतिरोध निकालोगे जेड बराबर, जेड प्रतिघात है, सोचो ये हाई लेवल का क्वेश्चन है बट तुम्हारे 2019 वाले एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। जेड बराबर अंडर रूट में होता है, फार्मूला देख लो सीख जाओगे, आर का स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, इसको जरा करिए, जेड बराबर हो जाएगा, आर का क्या है 5 × 5 = 25 हो जाएगा, अब 20 ए भी है, 20 ए भी है, 20 में से 20 जाएगा, जीरो कर दीजिएगा, तो देखो जेड बराबर अंडर रूट 25 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा जीरो, तो यहां पर 5 ओम आ जाएगा, मतलब इसका परिपथ की प्रतिबाधा, इस सॉरी ये प्रतिघात नहीं प्रतिबाधा है, क्या है प्रतिबाधा है, इसको हम प्रतिपथ की जेड को प्रतिबाधा कहते हैं। हमें लगता है आज तक का सबसे नया क्वेश्चन मिला है, मैंने पेपर जब देखा उसमें इस क्वेश्चन को पाया, मुझे बहुत ही प्यारा लवली क्वेश्चन लगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा स्टूडेंट। बताओ तुम लोग को अच्छा लगा कि नहीं, जल्दी से बताओ तुम लोग को अच्छा लगा कि नहीं। चलिए आगे भौकाल नंबर नेक्स्ट लाते हैं, भौकाल नंबर नेक्स्ट लाते हैं, गजब। कह रहा है दो प्रतिरोध, ये भी 2019 में ही आया है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तुम खुद सोचो 2019 में, एक बार पेपर तो देखो क्या लेवल है, इसीलिए मैंने बोला था लाइट इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ना मत। एक और खबर है, एक और अच्छी खबर है, कल रेशवा एकेडमी, सुन लो खबर को, रेशवा एकेडमी के मोबाइल ऐप पर जिस पार्ट से 8 क्वेश्चन आने वाले हैं, 8×4 8×32 नंबर, सीधे सीधे तुम्हारा रैंक एकदम दुगना चौगुना बढ़ जाएगा। रेशवा एकेडमी मोबाइल ऐप पर कल मैं लेकर आ रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2, क्या ला रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। सब लोग 11 बजे प्राइवेट क्लास में रेडी रहना, 11 बजे प्राइवेट क्लास में रेडी रहना, क्या 11 बजे प्राइवेट क्लास में रेडी रहना। अच्छा तो आ जाइए, याद रखिएगा जो लोग नहीं जुड़े हैं अभी डाउनलोड करके, मात्र 299 में पूरी तैयारी, कंप्लीट तैयारी अभी भी बचे हुए समय में कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट। कह रहा है दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, मान लो दो प्रतिरोध R1 और R2 है, अगर श्रेणी में जोड़ोगे तो कर उसका रिजल्टेंट 50 ओम है, क्या है 50 ओम है, ठीक है ना। अब इसमें मैथमेटिक्स भी लगेगा, ओके। अब कह रहा
तो जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं 8 ओम हो जाता है। तो समांतर क्रम का मतलब 1/R1 + 1/R2, मतलब इसको हम लिख सकते हैं R1 R2 / R1 + R2, ये लिख सकते हैं। चलिए तो दूसरा कंडीशन R1 R2 / R1 + R2 बराबर में क्या है 8 ओम है, विच इंप्लाइज दैट इसका गुणा इधर कर दो तो R1 R2 बराबर, ठीक है, 8 × R1 + R2 का वैल्यू यहां से 8 × 5 = 40 यानी 400 ओम हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, ये तो हमने अच्छा किया कि बहुत सारी चीजों को जान लिया। दो प्रतिरोध है साथियों, बंगलिनिया वाला क्वेश्चन है, नहीं समझोगे तो घूमते रह जाओगे बंगाल में ही, नहीं समझोगे तो, ठीक है। चलो इतना तो हमने सीख लिया, अब हमें प्रतिरोधों का मान निकालना, क्या कह रहा है इन प्रतिरोधों का मान अलग अलग क्या होगा। स्टूडेंट्स बताइए इन प्रतिरोधों का मान अलग अलग क्या होगा, क्या हुआ तेरा वादा, क्या कितना बढ़िया शायरी था ना, बापू वक्त दे, थोड़ा वक्त दे बापू पानी में भी आग लगा दूंगा, थोड़ा वक्त दे बापू पानी में भी आग लगा दूंगा, जो हंस रहे हैं ना तेरे लाडले पर मां कसम उनको उनकी औकात दिखा दूंगा है। चलिए हम R1, अगर मैं फार्मूला बताऊं, एक फार्मूला पढ़े होगे तुम लोग, R1 R2 = R1 + R2 का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, माइनस R1 × R2, ठीक है। चलिए निकालते हैं इसको, R1 + R2 क्या है 50 ओम, 50 का स्क्वायर माइनस 4 × 400 है ये, R1 R2 यहाँ निकाल दिया हमने, तो 5 × 5 = 25 00 माइनस 4 × 4 = 16 00 यानी आ जाएगा तुम्हारा ये स्क्वायर रहेगा, क्या किसी को पता है, ये स्क्वायर रहेगा, सही है फार्मूला, अब फार्मूला ये परफेक्ट है जी। फार्मूला सही है, R1 square + R2 square + -2R1R2 इधर हो जाएगा, हाँ बराबर है, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 900। तो जब यहाँ पे विच इंप्लाइज करोगे तो R1 - R2 जो होगा वह 900 को जब अंडर रूट में करोगे तो 30 ओम आ जाएगा, 30 ओम। अब हमको बात बस इतना याद रखना है कि R1 + R2 बराबर क्या है 50 ओम, क्या है 50 ओम, और R1 - R2 बराबर हमने निकाल लिया 30। अब इसी को जोड़ दो, अगर जोड़ोगे तो देखो ये R2 कट जाएगा, प्लस माइनस 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 कट जाएगा, प्लस प्लस, तो 2R1 अब बराबर 80 हो जाएगा, तो R1 = 40 हो जाएगा, R1 = 40 तो R2 = आपको पता है 10 ओम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 40 और 10 बी ऑप्शन इज राइट होगा एंड करेक्ट होगा। अच्छा वाह वाह सर क्या बात है यार, मैं सोचने लगा कि ये क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, गजब है यार, ऐसे क्वेश्चन आया है, मैं इसको कैसे छुड़वा दूं, मैं इसको कैसे छुड़वा दूं आपके लिए, आपके लिए जो दिन रात, ठीक है। अच्छा मजा आया, ये ट्वेल्थ का है सर, इतना हार्ड क्वेश्चन सोचो आ सकता है, तब ना कोई टॉप करेगा यार, ऐसा ही खोड़ी खोड़ कर देगा है, ये करने से नहीं होगा। एक्चुअली सर बड़ा हार्ड क्वेश्चन कराते हैं आप, बताओ हार्ड नहीं कराएंगे तो कैसे होगा, आगे चले, समझ गए नहीं समझे, एक बार जाना घर पे बाबू, सब लोग रिवाइज कर लेना इसको, मैंने बहुत ज्यादा स्टेप वाइज लिखना, अपने आप समझ में आ जाएगा। बस हमने फार्मूला भौकाल नंबर नेक्स्ट, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है,
परमाणु भार 32 है, यस पे घात माइनस 2 में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या। दिस इज आया हुआ क्वेश्चन, दिस इज आया हुआ। 16 परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक कितना है लिख देते हैं, परमाणु क्रमांक 16 है, परमाणु भार 32 है, यस पे घात माइनस 2 की बात कर रहे हैं, मतलब दो इलेक्ट्रॉन इसने उधारी में ले लिया है, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन इसने उधारी में ले लिया है, तो इलेक्ट्रॉन उधार ले लिया, इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, पहले बात परमाणु क्रमांक 16 है तो इसमें सल्फर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 16 ही होगी, बट 16 तो होगी, सही बात है, इलेक्ट्रॉन बट दो इलेक्ट्रॉन इसने उधार ले लिया है, तो कुल मिला जुला 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएंगे, और प्रोटॉनों की संख्या इसके बराबर ही हो जाएगा 16, यानी प्रोटॉन कितना होगा, वह होगा 16, यानी इलेक्ट्रॉन 18 प्रोटॉन 16, ऑप्शन नंबर डी थोड़ा सा घुमाएगा आपको, यह क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा। अब रहने दो, तुम लोग को कल से लाइव लग रहा, नहीं पढ़ाना चाहिए, लाइव करने में तुम लोग इतना शर्माते हो, मतलब कैसे टीचर कोई मेहनत करेगा आपके लिए, बताइए आपके लिए कोई टीचर किस तरीके से मेहनत करेगा, आप हमें ये बता दीजिए जरा, अगर आप लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, तो कोई टीचर आपके लिए क्यों मेहनत करेगा, नहीं करेगा भाई, सिंपल से हलवा वाला क्वेश्चन करा देगा, कोई मेहनत नहीं करेगा, सही बात है, इसीलिए बढ़िया क्वेश्चन दूसरे पॉलिटेक्निक वाले पढ़ाते हैं ना, बढ़िया क्वेश्चन इसीलिए नहीं कराते हैं आपके लिए, क्योंकि आप लाइक सब्सक्राइब करते नहीं हो। चलिए कोई नहीं, कह रहा है अगर यस, जैसे मान लो यस पे 2 प्लस हो जाता तो दो इलेक्ट्रॉन घटा देते, 16 में से दो इलेक्ट्रॉन 14 हो जाते, ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखें, 1000 लाइक होना चाहिए, मैं रुक रहा हूं कुछ सेकंड के लिए, 1000 लाइक होना चाहिए, होना चाहिए यार, ऐसे क्वेश्चन है, अगर हमारे समय में हमारे टीचर इस टाइप के क्वेश्चन करा दिए होते तो मुझे लगता है कि मैं टॉप कर गया होता उसी समय, लेकिन कोई कराने वाला था नहीं, सेल्फ स्टडी करना पड़ा, सेल्फ स्टडी करके अभी 290 नंबर लाए थे 400 में, उस समय 2014 की बात, हम कर रहे हैं, 2014 में 290 नंबर 400 में से लाया था मैं, उस समय सिर्फ सेल्फ स्टडी से, सेल्फ स्टडी से, सोच लो पॉलिटेक्निक में तुम्हारे, अब तुम कितना लाओगे, इस टारगेट को क्या तोड़ पाएंगे कि नहीं, इस टारगेट को तोड़ पाओगे, मेरे टारगेट को देखते हैं कौन तोड़ता है, उसको मैं अपने रूम ऑफिस पे बुलाऊंगा जरूर, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन हो गया, अच्छा निम्न में से भौकाल नंबर नेक्स्ट है, निम्न से एक तत्व की सामान्य संयोजकता 2 है, इसका परमाणु क्रमांक होगा, संयोजकता 2 है, काहे नहीं आएगा बबुआ, लाइट हमारे ऐप से पढ़ के जाना, एक भी लाइट का क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एक को लाइट का क्वेश्चन छूटेगा नहीं, हमारे ऐप से पढ़ के जाना तुम, ठीक है, एक को ओके, संयोजकता वैलेंसी 2 है, परमाणु क्रमांक पूछ रहा है, आ जाओ 12 का अगर परमाणु क्रमांक करेंगे 2 8 2, संयोजकता कितनी होगा 2, 14 का 2 8 4, इसकी संयोजकता नहीं होती, गलत हो गया, 16 का 2 8 6, इसका भी संयोजकता 2 हो जाएगा यार, 8 में से 6 जाएगा, इसकी वैलेंसी 2 होगी, इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, इसकी भी 2 हो रही है, अच्छा 18 का नहीं होगा, 2 8 8, यहां तो कुछ गड़बड़ है, हमारे पास 2-2 ऑप्शन मिल जा रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है, बट 12 की संयोजकता 2 है और 16 की भी संयोजकता 2 है, यानी दोनों की संयोजकता 2-2 हो जाएगी, 2 8 6, 2 8 10, अच्छा ठीक है,
ठीक है। यहाँ ऑप्शन कुछ गड़बड़ है बट आपके इसी तरह निकालना है, ऑप्शन यहाँ गड़बड़ है कोई बात नहीं, एक जगह कुछ ये या तो ये ना हो या तो ये ना, ये ना हो, इन दोनों में से एक नहीं रहेगा, इसी तरह निकालेंगे चेक कर लेंगे समझ। इसीलिए मैं बना हूँ 30 तत्वों का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार और साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कर लो, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। भवकाल नंबर नेक्स्ट, भवकाल नंबर नेक्स्ट कह रहा है किसी तत्व का परमाणु भार 19 है, क्या है किसी तत्व का परमाणु भार 19 है, परमाणु के द्वितीय कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, ये हमारा परमाणु का नाभिक है, एक यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अब बाहर में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, अब देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7 एक में हो गया, 2 है में हो गया, 7 2 9, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 9 हो गई तो भाई साहब परमाणु क्रमांक क्या हो बताइए, परमाणु क्रमांक भी इसी के बराबर होगा 9 के, मतलब परमाणु क्रमांक भी आपका 9 ही होगा, और जब परमाणु क्रमांक 9 होगा तो प्रोटॉनों की संख्या भी 9 ही होगी, 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन, 9 परमाणु भार, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो देखो जब अंतिम कक्षक में कहा 7 है तो जाहिर द्वितीय कक्षक में, सेकंड कक्षक में कहा 7 है तो जाहिर सी बात है पहले इससे पहले वाले प्रथम में 2 ही होते हैं, 2 ही होते हैं, जाहिर सी बात है, क्या जाहिर सी बात है, ये देख रहे हो जाहिर सी बात है 2 ही होंगे, 2 ही जाहिर सी बात है कि नहीं, आपको दिख रहा है ये देखो ये 2 है ऑलरेडी यहां पे, ठीक है चले आगे नेक्स्ट भौकाल नंबर नेक्स्ट आया हुआ क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन सीधे सतर्कता भड़कता क्वेश्चन आया है साथियों, एक बार लाइक दबा के करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब, और सुनो जिस स्टूडेंट को पूरी तैयारी करनी है कम समय में, पूरी तैयारी करना चाहता है सब कुछ का एकदम जबरदस्त तरीके से, अभी क्या करेगा रेशवा एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेगा, ठीक है रेशवा एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेगा, ठीक है वहां से 299 में संपूर्ण कोर्स एक साथ मिल जाएगा, कोई दिक्कत हो 96 21 94 80 25 पे कांटेक्ट कर सकता है, और भी कोई दिक्कत है 96 28 00 47 08 पे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है, कि कल मैं लेके आ रहा हूं प्राइवेट क्लास में इलेक्ट्रिसिटी, इसका अर्ध आयुकाल 1580 है, रेडियम 226 का अर्ध आयुकाल 1580 है, 4740 वर्ष के पश्चात ही अपनी प्रारंभिक मात्रा का कितना बच जाएगा, अच्छी बात है टोटल वर्ष है 4740, एक अर्ध आयुकाल जो होता है वह एक होता है 1580 का, तो 1580 से भाग दे दोगे 4740 में तो कितने अर्ध आयुकाल आएंगे, 15 या 45, 3 अर्ध आयुकाल आ जाएंगे। अब रेडियम देखो, रेडियम अगर एक सिंगल है 1 ग्राम है, चाहे रेडियम अगर एक भाग है तो एक हाफ लाइफ पीरियड, ठीक देखो एक हाफ लाइफ पीरियड बराबर 1/2 हो जाएगा, तीन तीन को लगाना है हमें, दूसरे में क्या होगा सेकेंड हाफ लाइफ पीरियड में, अब इसका आधा होगा, इसका आधा मतलब 1/4 हो जाएगा, फिर तीसरे में 3 HLP में तीसरे हाफ लाइफ पीरियड में क्या होगा इसका आधा, अब इसका आधा होगा 1/8, मतलब 1/8 जो होगा वह राइट, कितना इजी कर दिया मैंने इसको, ठीक है कितना इजी कर दिया मैंने बताओ, कितना इजी हुआ क्वेश्चन, बहुत ही इजी हो गया, हुआ कि नहीं जी। भौकाल नंबर नेक्स्ट आ रहा है,
भौकाल नंबर नेक्स्ट आ रहा है, चलिए भौकाल नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। परमाणु बम निम्न में से किस सिद्धांत पे काम करता है? परमाणु बम एटम बम की बात कर रहा हूं, एटम बम कहते ना बम फोड़ देंगे, एटम बम, एटम बम यानी परमाणु बम, परमाणु बम ठीक है, परमाणु बम ठीक है। निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? ओके, नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, रेडियो सक्रियता पर, नाभिकीय विखंडन एवं संलयन पर, बताइए किस पे होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी फास्ट। नाभिकीय विखंडन जो है राइट आंसर है, चला नाभिकीय विखंडन जो है इसका राइट और करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, देयर इज नो क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो मेरे स्टूडेंट्स बताइएगा, अब एक क्वेश्चन और पूछूंगा मैं यहां आपसे, एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में पूछूंगा, अगर जो जिसका तैयारी बहुत बढ़िया चल रहा होगा, जो मतलब 100% श्योर है कि उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएगा। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है? हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है, किस पे आधारित है हाइड्रोजन बम? ऑप्शन यही रहेंगे। तो जिनका तैयारी सबसे बेस्ट चल रहा होगा ना, वह लड़का या लड़की, बॉयज एंड गर्ल्स, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और जिनको अभी जुड़ना है भाई साहब, 96 21 94 80 25 पे कॉन्टेक्ट या व्हाट्सएप करें, या 96 28 00 47 08 पे व्हाट्सएप करिए। भाई साहब अपने माता पिता के सपना को पूरा कीजिए, कह दो अपने माता पिता से जाके आज कि थोड़ा वक्त दे बापू, पानी में भी आग लगा दूंगा, थोड़ा वक्त दे बापू पानी में भी आग लगा दूंगा। जो हंस रहे ना तेरे लाडले पर, जो हंस रहे ना तेरे लाडले पर, मां कसम उनको उनकी औकात दिखा दूंगा। साथियों एकदम रेडी रहो 23 जहर क्लासेस के लिए, सुबह 7 बजे शाम को 7 बजे, एकदम शानदार। हाँ कल हमारी यानी एरिक विकास सर की थियरी वाली क्लास, अगर वह थियरी पढ़ लेते हो ना तो एक भी क्वेश्चन तुमसे बच नहीं पाएगा। तो थियरी क्लास में लेके आ रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी का, 11 AM पे 11 बजे दिन में लाइव वही ऑन रेशवा एकेडमी मोबाइल ऐप। सब लोग मेरे रसगुल्लो तैयार रहना, कल लेके आ रहा हूं चॉकलेट विद द इलेक्ट्रिसिटी। क्या? चॉकलेट विद द इलेक्ट्रिसिटी। चलिए अब देखो मैं लास्ट में फिर से कहता हूं, अगर लगा है कि टीचर ने मेहनत किया तुम्हारे लिए तो जबरदस्त तरीके से लाइक ठोकना, और कमेंट पर ठोक ठोक के कमेंट का में इसका आंसर भी दे देना। अपने माता पिता के लिए करोगे कि नहीं करोगे, आप ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए साथियों इतना ही। हाँ एक चीज और, आज मैं इलेक्ट्रिसिटी ही स्टार्ट कर रहा हूं आपके 9 बजे वाली क्लास में, जस्ट वेल पर 9 बजे वाली क्लास। सुनो थोड़ी सी अच्छी बातें सुन लो, थोड़ी सी अच्छी बातें सुन लो, 9 बजे वाली क्लास, 9 बजे वाली क्लास में जो कि जस्ट वेल पे होगी, हमारी जस्ट वेल क्लासेस पे होगी, उन लोगों को भी इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें वैद्युत चालन पढ़ाऊंगा। क्या? वैद्युत चालन, ये आपके लिए भी काम दे सकता है। तो अगर इच्छुक हैं पढ़ने के लिए तो रात को 9 बजे मिलिए, अभी जस्ट आधे घंटे बाद, तो आपको वहां पर जस्ट वेल क्लासेस पे, याद रखिए जस्ट वेल क्लासेस लाइव सर्च कर लीजिएगा, क्लासेस लाइव। मैं आपसे कहूंगा कि आप सब पॉलिटेक्निक वाला आ जाओ, आज पॉलिटेक्निक के सभी स्टूडेंट आओ, मजा आ जाएगा। ठीक है सब लोग आओ, सबको मैं उसमें भी पढ़ाता हूं, मैं कह रहा हूं वहां से भी 2 क्वेश्चन फंस जाएगा तुम्हारा, 4×8 नंबर का, इंटर से भी क्वेश्चन आने हैं, कुछ ना कुछ आने हैं, कहां से आएंगे रात को 9 बजे में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, इसका PDF मैं
जो प्राइवेट क्लासेस है उनके ग्रुप में भिजवा दे रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, तो बाय बाय, जय हिंद जय भारत। कमेंट करके अपना प्यार रसगुल्लो जरूर बरसाएं।